गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब? बेटा अब हम आज कंप्यूटर में हमने लास्ट चैप्टर जो रीड किया था वो कौन सा था? फन विद पेंट, है ना? पेंट के साथ हम फन कैसे करते हैं, हम इंजॉय कैसे करते हैं, ठीक है? तो हमने ये सारे टॉपिक रीड किए थे कि हम पेंट को ओपन कैसे करते हैं और उसमें कैसे कैसे टूल्स होते हैं, ठीक है? उस शीट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, होम रिबन क्या होता है, होम रिबन में हमने शेप्स इंसर्ट करनी सीखी थी, है ना? अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि कलर ग्रुप क्या होता है, कलर ग्रुप में क्या क्या होता है, कलर बॉक्सेस, कलर पैलेट्स, एडिट कलर्स, है ना? ये सब कुछ आपने किया था, समझा था ना? उसके बाद अब हम करेंगे टूल्स इन द होम रिबन। जो होम रिबन हमारा होता है, यानी कि ये वाला जो रिबन होता है, ये रिबन है ना, इसमें ये होम रिबन होता है। तो होम रिबन में सबसे पहला टूल हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? पेंसिल टूल। ये होता है आपका पेंसिल टूल, ठीक है? तो पेंसिल टूल का यूज क्या होता है? पेंसिल टूल का यूज होता है, पेंसिल टूल इज यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्रॉइंग एज यू यूज पेंसिल इन रियल लाइफ। जैसे अब आपके पास ये पेंसिल है जैसे, ठीक है? इस पेंसिल से अगर आपको लिखना है तो आप क्या करते हो? जैसे आपको लिखना है, आप फ्रीली लिख लेते हो ना? जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिख रही हूँ तो मैं यहाँ फ्रीली लिख रही हूँ, ठीक है? ऐसे ही पेंसिल आपके किस में होती है? आपके पेंट में भी पेंसिल होती है, ठीक है? वो आपको पेंसिल की तरह ही दिखाई देती है। आपने उसको माउस से क्लिक करना है, जैसे ये आइकन है, ये पेंसिल आइकन है, आपने इसको माउस से क्लिक करना है और माउस को जैसे आप ड्रॉ करोगे स्क्रीन पर, वैसे वैसे ही आपकी पेंसिल चलेगी, ठीक है बेटा? तो ये होती है आपकी पेंसिल, पेंसिल टूल, ओके? तो पेंसिल से तो आप ड्रॉ कर सकते हो, आप एक बहुत प्यारी सीनरी क्रिएट कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया है, यहाँ माउंटेन्स बनाए हैं, यहाँ क्लाउड्स बनाए हैं, यहाँ फ्लावर्स बनाए हैं, तो ऐसे आप भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद है आपका सेकेंड टूल जो होता है होम रिबन में, वो होता है इरेजर टूल। कि अगर आपसे कोई काम गलत हो जाए, जैसे मैंने अब यहाँ पे अपना नेम लिखा था तो मेरा नेम ये सही नहीं लिखा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। किसकी हेल्प से? इरेजर की हेल्प से। तो ये इरेजर कैसे चल रही है? आप ऐसे ऐसे करके उसको इरेज कर रहे हो ना, तो ऐसे ही अब आपके पेंट में भी इरेजर होती है, ठीक है? पेंट में भी इरेजर होती है, तो वो इरेजर को भी आप ऐसे ऐसे करके, माउस को जब आप इस तरह से मूव करते हो तो इरेजर से वो रब होता है। आप इरेजर का साइज बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। बड़ा आपका होता है इरेजर का साइज कंट्रोल ओल्ट प्लस से, और छोटा किससे होता है? कंट्रोल ओल्ट माइनस से, ठीक है? तो इससे आपका इरेजर बड़ी होती है और छोटी होती है। मेन किसके लिए यूज होती है? वो इरेज करने के लिए, ठीक है? तो इसको आप बेटा प्रैक्टिकली भी करके देखना, ठीक है? जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर है बेटा घर पे, वो उनको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो आपका है ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या करता है? अब जैसे कई बार आप पेंटिंग करते हो ना पेंटिंग, तो पेंटिंग में आप ब्रश लेते हो, उस ब्रश को आप ड्रॉ करते हो, जैसे कई बार आप शेडिंग करते हो उससे, है ना, कलरिंग करते हो, तो वो किससे करते हो? ब्रश टूल से। तो यहाँ पे भी पेंट में भी आपके ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेज होते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ब्रशेज हैं, आपको कौन सा ब्रश चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उस ब्रश की हेल्प से आपने जो आप ड्रॉ करना चाहते हो वो आप बना सकते हो। जैसे यहाँ क्या बना हुआ है? हट बनी हुई है, तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो टूल है वो है फिल विद कलर। फिल विद कलर का मतलब है कि जो आप ड्रॉ करते हो, अगर आपने उसके अंदर कलर फिल करना है तो आप वो कौन से टूल से करते हो? फिल विद कलर से। वो टूल आपका ऐसा दिखाई देता है, देखो इसको आप बकेट कलर भी बोल सकते हो, कि जो सा कलर बकेट के अंदर होता है उसे हम फिल करते हैं, ठीक है? तो फिल विद कलर टूल आपका किसके लिए यूज होता है? कलर फिल करने के लिए, जो आप ड्रॉ करते हो उसमें, ठीक है? और ये इसके कलर्स भी यहाँ पे शो होते हैं। देखो जैसे आपने अब फिल विद कलर टूल पे क्लिक किया, यहाँ से आपने कलर चूज कर लिया और टूल को आपने उसके ड्राइंग के बीच में रख के क्लिक कर देना, वहां कलर फिल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब आपके हैं शेप्स। शेप्स आपकी कौन कौन सी होती है? जैसे शेप्स हैं आपको इंसर्ट करनी है तो आप किसकी हेल्प से करोगे? शेप टूल की हेल्प से। ये देखो यहाँ पे आपको शेप्स दिखाई दे रही है ना बेटा, ये देखो ये शेप्स हैं। आपको जोन सी शेप चाहिए होगी आप क्लिक करोगे, माउस को ड्रैग करोगे, वो शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो अब शेप आपको ड्रॉ करनी आ गई। उसके बाद है लाइन शेप। लाइन शेप का मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की लाइंस मिल जाती हैं, आप वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, तो आप क्या करते हो, आप शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करके रखते हो तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ठीक है?
समझ आ गया बेटा? तो कौन कौन से टूल हमने रीड किए? सबसे पहले पेंसिल टूल, जिससे हम फ्री हैंड ड्रॉइंग करते हैं। फिर हमने इरेजर टूल किया, जिससे हम इरेज करते हैं। फिर हमने किया है फिल ब्रश टूल, जिससे हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रश से अपनी ड्रॉइंग क्रिएट करते हैं। और फिर विद है फिल विद कलर टूल, फिल विद कलर टूल से हम कलर फिल करते हैं। और फिर शेप्स टूल और लाइन शेप। ठीक है, लाइन शेप से क्या होगा कि जो शेप है वो लाइन होगी, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आपका है यहाँ पे रेक्टेंगल शेप, कि आप एक रेक्टेंगल शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल शेप आपका कहाँ पे होएगा? शेप में ही होता है। ठीक है, उसके बाद टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द माउस। जैसे अब आपने रेक्टेंगल शेप ली, आप रेक्टेंगल शेप नहीं लेना चाहते, आपने उसको स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करते हो, आप अगर वहां पे शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हो तो आपका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके फिर ड्रॉ करते हो तो आपका वो रेक्टेंगल नहीं बनता, क्या बनता है? स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है स्टार शेप। स्टार शेप आपकी यूज होती है स्टार्स ड्रॉ करने के लिए। तो आपने यहाँ पे स्टार शेप ली और ये देखो आप डिफरेंट टाइप के स्टार्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये स्टार में कितने हैं, ये फोर पेटल्स वाला स्टार है, ये कितने पेटल्स वाला स्टार है, ये 5 पेटल्स वाला स्टार है, और ये 6 पेटल वाला स्टार है। तो इसमें हर टाइप का स्टार आपको अवेलेबल होगा शेप्स में। आपको कौन सा चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और माउस को ड्रैग कर दोगे शीट पे और आपका स्टार क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे बेटा वो खत्म हो रहा है, फिनिश हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो जो रीड किया है आपने उसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखना है बेटा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।